बीते दिन जिला श्री मुक्तसर साहिब के हलका मलोट के कुछ लोगों के वलों बागला टायर दुकान के मालक पवन कुमार उसके पुत्र से जानलेवा हमला करके उन्होंने जख्मी कर दिया गया। शहर के हुई इस गुंडागर्दी तो बाद व्यापार मंडल के वलों रोष जताते हुए शहर दियां सारियां दुकानां नूं बंद करवा के रोष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सड़क ते सिर्फ प्रदर्शन करन वाले व्यापारी दिखाई दिते जदों कि बाजार पूर्ण तौर ते बंद रहे। व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन नूं इंसाफ की मांग करदिया कहा कि गुंडागर्दी करन वाले दोषियों नूं जल्द तो जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस दे नाल ही उन्होंने पुलिस प्रशासन नूं चेतावनी दी कि जदों तक आरोपियों नूं गिरफ्तार नहीं किया जाता ओह बाजार नहीं खोलणगे। जो कल सुबह मलोड़ दे टायर यूनियन दे बागला टायर दे नाल गुंडागर्दी हुई है उसके खिलाफ समुचे मलोड़ के व्यापारी इकट्ठे हुए है और उन्होंने इस गल की मंग की है कि जिहड़ी कल गुंडागर्दी हुई है उस गुंडागर्दी के खिलाफ मलोड़ के व्यापारी चाहते हैं कि उन्होंने इंसाफ मिले। वो गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए सी और उस गुंडागर्दी के खिलाफ परचा दर्ज होवे, उस गुंडागर्दी के खिलाफ दोषियों को सज़ा मिले, दोषियों को अरैसट किया जाए। जिन्ना चर अरैसट नहीं किया जाता तो फिर इस करके जिहड़ा है सानू जे कल रेस्ट नहीं पई तो अज जिहड़ा है सानू मलोट जिहड़ा है समुचे तौर पर बंद करना पएगा व्यापारियों नूं कि व्यापारियों नाल धक्का हो रहा। पुलिस वालों की करना लो उन्हें पुख्ता वो उन्हें नहीं की जा रही कार्रवाई पुलिस जब कल उन्हें मामला दर्ज किया। हाँ जी हाँ जी कल देखो इस तरह है कि मामला दर्ज करना एक होर गल है लेकिन दोषियों नूं पकड़ना दोषियों नूं सज़ा देनी होर गल है। दोषियों नूं पकड़ना जिहड़ा है वह असल दे विच जिहड़ा है कार्रवाई हुंदी है एक परचा दर्ज कर देना कल्ली कार्रवाई नहीं है। नहीं देखो असी तो मानयोग पुलिस के अफसर बेनती करांगे कि देखो बंद कोई हल नहीं है, बंद असी चाहते नहीं गे, बंद को खुशी नाल नहीं किया, असी ये चाहते हैं कि पुलिस अजे भी दोषियों को गिरफ्तार कर ले और जो गिरफ्तार कर लूगी उदो असी बाजार खोल देंगे। साडा तो सिर्फ जिहड़ा रोष है वह इस करके है कि दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, जो गिरफ्तार कर लेगी तो असी उदो बाजार खोल देंगे बेशक। उधर दूजे पासे थाना सिटी मलोट के मुखी संजीव कुमार ने मीडिया के नाल गलबात करदे आख्या कि जख्मी पवन कुमार के बयान के आधार से चार लोगों ते बाय नेम अते बाकी अणपछाते व्यक्ति के खिलाफ वख वख धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच की जा रही है जिन्होंने जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो मुताबिक जी जो जल्दी कल घटना वापरी जी वो संबंध में इन्हें असी विक्टम के बयान लिखे जी विक्ट जो बाघ जिन्हें सट्टा वजिया जी उन्होंने बयान मुताबक तो जोड़े डॉक्टर की रिपोर्ट मुताबक इन्हों का जो मुकदमा दर्ज हो चुका जी। चार बंदे इन्होंने बाय नेम लिखाए जी बे जिन्हें जिन्होंने ये पछाणते हैं तो बाकी अणपछाते लगाए जिन्हों के मूँह बजे हुए थे कहते असी पछाणते नहीं गए। वो मुताबक संबंधित धारावां मुकदमा दर्ज हो चुका जी तो उस तो बाद जो उन्होंने मुकदमा दर्ज होने तो बाद पुलिस ने तुरंत रेड किया जी, सुबह भी रेड किया उन्होंने घर जी तो वह बंदे हजे घर जे कोई भी बंदा कोई भी मुजरम जरा आपके घर नहीं पाया गया होर उन्होंने टिकाण से लभण की कोशिश की जा रही है सोर्स लगा के भी तो होर टैक्नीकल जी सेवावान लैके भी उन्होंने लभण की कोशिश की जा रही है। जिथे भी लभणगे जल्द तो जल्द उन्होंने गिरफ्तारी की जाऊगी ते जो भी कानून दे अनुसार कार्रवाई अमल विच लियांदी जाऊगी जी। हुण देखना होवेगा कि शहर दे विच गुंडागर्दी करन वाले आरोपियों नूं पुलिस कदों गिरफ्तार करेगी। स्काई न्यूज़ पंजाब दे लई मलोट तों तरसेम ढुड्डी दी रिपोर्ट। जे तुसी एक्सप्रेस एंट्री दे विच या PNP दे थ्रू या LMIA दे थ्रू या जॉब ऑफर दे थ्रू जाके पक्के तौर ते सेटल होना चाहुंदे हो या तुसी स्टूडेंट वीजा ते कैनेडा या आस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप दे नाल घट फीस ते तुहाडे एजुकेशन च गैप है ते तुसी पढ़ के जे सेटल होने का सपना पूरा करना चाहते हो तुसी हेठ लिखे नंबर पर कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल। हर खबर की ताज़ा अपडेट के लिए साड़े YouTube चैनल सब्सक्राइब करो, Facebook चैनल लाइक और शेयर करो।